Hey guys, welcome back to the channel. This is your host Vivek Suri from Superbikes Classified. Guys, I have a very exotic machine for you today. This is the orange Hayabusa. Basically, ये color India में launch नहीं हुआ था. India में जब bike launch हुई थी, तब limited edition के अंदर golden color आया था उसका. So orange color जो था, वो usually लोगों ने import करा था custom duty pay करके. So this is the bike for you. Guys, आप bike देखें, बहुत ज़्यादा clean bike है. ये सेल के ऊपर बाइक है. यूजुअली ऑरेंज कलर आपको पूरी दिल्ली, ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर शायद एक या दो बाइक्स ही होंगी जो सेल के ऊपर हैं. एक चीज बताना भूल गए थे हम दोनों ही कि इसके अंदर रेस फिट के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल के टाइम पे. एग्जॉस्ट नोट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो स्टॉक एग्जॉस्ट होते हैं उन बाइक्स की आवाज़ नहीं होती है. एंड दीज कॉस्ट अबाउट 80-90,000. जो अगर एग्जॉस्ट आपको साथ मिल रहे हो तो वो सोने पे सुहागा कहते हैं हिंदुस्तान में उस चीज़ को, खास करके दिल्ली वालों की लैंग्वेज है. सो गाइज, आपको रेस फिट के एग्जॉस्ट इसके साथ मिल रहे हैं. दैट्स अ प्लस पॉइंट टू दिस बाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एन एक्सक्लूसिव कलर, बहुत रेयर कलर मिलेगा आपको ये. सेकंड, इसमें रेस फिट के एग्जॉस्ट लगे हैं, जो उससे ज़्यादा लाउड आपको आवाज़ नहीं आएगी किसी भी एग्जॉस्ट के. सो गाइज, इट्स टाइम टू राइड दिस बेबी. 2008 की जो ऑरेंज हायाबुसा है, लेट्स राइड दिस बेबी एंड सी कितनी अच्छी है बाइक चलने के अंदर. बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है. सो लेट्स रॉक एंड रोल. गाइज, क्लच चेंज किया, गियर चेंज किया, कोई इशू नहीं लगा. क्लच कहीं से नहीं अटक रहा. थर्ड गियर आ गया, कोई इशू नहीं है. ब्रेकिंग के अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही. थोड़ी सी भगा के देखते हैं बाइक चलने में कैसी है. तो गाइस, विदिन सेकंड्स यू एज यू कैन सी 140 मैंने टच करा है. चलने में कोई भी इशू नहीं है, कोई मिसिंग नहीं मार रही, कोई कुछ नहीं कर रही. ब्रेकिंग भी अच्छी है. पहले पैर वाली ब्रेक चेक करते हैं, आराम से ब्रेक लग रही है. कहीं कोई मेरे को ब्रेकिंग में कमी नहीं लग रही. थोड़ी हाथ वाली ब्रेक चेक कर लेते हैं टू सी कि हाथ वाली ब्रेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. गाइस, एज यू कैन सी, मैं पूरी ब्रेक दबा रहा हूँ, आराम से दब रही है ब्रेक. ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चू चू की आवाज़ नहीं आ रही है. यूजुअली डिस्क ब्रेक पैड्स ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आपको आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा ब्रेक मारने के ऊपर. वो चीज़ आपको इसके अंदर नहीं आ रही है. कोई वाइब्रेशन नहीं है बॉडी के अंदर बाइक चलाते हुए. जब बाइक में भगा रहा था तो कोई कंपन नहीं थी बाइक के अंदर. सो एज यू कैन सी, इससे 2008 पर 2008 के हिसाब से बाइक बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको अगर आप ये बाइक ले लेते हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बाइक, आप प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. ये जो ये नंबर आ रहा है नीचे, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. गोल्डी जी का नंबर है, सुपर बाइक वर्ल्ड भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं. आप गूगल पर सर्च करें सुपर बाइक वर्ल्ड को और वहाँ पर जाके आप गोल्डी जी का नंबर लें. अगर आपको ये बाइक ख़रीदनी है तो आप उनसे डील क्रैक कर सकते हैं. ही इज़ आस्किंग अबाउट 8 लाख रुपीज़ फॉर दिस ब्यूटी. बाकी नेगोशिएबल रहेगा प्राइस. आप जब उनके साथ बैठेंगे, बाइक लेंगे, तो आराम से टेबल पे बैठ के आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं बाइक को, प्राइस को. सो गाइस, आप बाइक अगर सोच रहे हैं हायाबुसा ख़रीदने की, सो दिस इज़ द बाइक फॉर यू. आप बाइक लें, बाइक चलाएं,
बाइक में कोई भी इशू नहीं है। यूजुअली क्या होता है इन बाइक्स के अंदर, लोग क्या करते हैं क्लच प्लेटें क्लच पकड़ के रखते हैं बाइक चलाते हुए रेस देने के लिए, तो उसकी वजह से क्लच प्लेटें घिसने की प्रॉब्लम हो जाती है यूजुअली, और उसकी वजह से बाइक चलाते हुए आपकी पिकअप नहीं आ पाती। दिस इज़ नॉट द केस विद दिस बाइक। आप जब ये बाइक चलाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बाइक के अंदर किसी भी तरीके की मैकेनिकल बॉडी या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी क्लीन बाइक फॉर अ 2008। जिसके पास भी ये बाइक थी उसने बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखी है। ब्रांड न्यू टायर्स डले हैं इसके। गोल्डी विया का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहता है कि वो अगर बाइक खरीदते हैं और अगर उस बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है वो प्रॉफिट अपना कम कर लेंगे, बट वो सामने वाले बंदे को कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं देते हैं। सो अगर आप गोल्डी जी के पास आ रहे हैं बाइक खरीदने के लिए, देन आप फ्री माइंड होकर आएँ, फ्री माइंड होकर जाएँ। एक उनकी बायबैक पॉलिसी रहती है 6 महीने 1 साल की, जिसमें वो कुछ पैसे काट के आपसे बाइक वापस ले लेते हैं, तो आपको एक रीसेलर ढूंढने की भी प्रॉब्लम नहीं रहती। सो गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जेन्युइन हायाबूसा, एन एक्सक्लूसिव हायाबूसा, अ लिमिटेड एडिशन कलर, दिस बाइक इज फॉर यू। ये 2008 का ऑरेंज कलर लिमिटेड एडिशन जो कि लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, दिस बाइक इज फॉर यू। सो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ दे सकूँ, अच्छी से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। कुछ और बाइक्स भी हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो है बैंडेड की, वो भी एक बहुत एक्सक्लूसिव बाइक है, बहुत रेयर बाइक्स हैं वो सेल के ऊपर, बहुत कम जगह देखने को मिलती हैं आपको वो बाइक्स। गोल्डी जी के पास वो बाइक भी है, सो नेक्स्ट जो शूट होगा वो उसका करते हैं, एंड सी कि उस बाइक को चलाने में कैसा फील आता है, बाइक की क्वालिटी कैसी है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो बाइक कितने की दे रहे हैं, ताकि अगर आपका कोई मूड हो बाइक खरीदने का सो आप लोग आराम से आएँ और बाइक खरीद सकें। सो सी यू गाइस।